भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके चलते अब G20 का 18वां सम्मेलन भारत में होगा। ये सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में होगा। G20 की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और भारत G20 की मेजबानी करने को तैयार है। लेकिन उससे पहले आइए आज आपको G20 से जुड़े कुछ तथ्यों से रूबरू करवाते हैं। G20 में ट्रॉइका और शेरपा इन दो शब्द की चर्चा खूब की जाती है। तो ये दोनों शब्द क्या हैं और G20 में इन शब्दों के क्या मायने हैं, इन्हीं तथ्यों की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करें ट्रॉइका की। वर्तमान में भारत भी ट्रॉइका का हिस्सा है। ट्रॉइका असल में 3 की तिकड़ी को कहा जाता है और G20 में ट्रॉइका 3 देशों का एक समूह है, जिसमें वर्तमान, पिछला और आगामी अध्यक्ष देश शामिल होता है। ट्रॉइका G20 एजेंडा की निरंतरता को बरकरार रखता है। पहली बार ट्रॉइका में 3 विकासशील देश शामिल हैं। इनमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हैं। बता दें कि ये 3 देशों का समूह दुनिया की 2/3 हिस्से के लिए एजेंडा तय करता है। भारत दिसंबर 2021 से लेकर 2024 तक ट्रॉइका का हिस्सा रहेगा। अब बात करते हैं शेरपा शब्द। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में एक विशेष जाति होती है जिसका नाम शेरपा है। इस जाति का समूह बहुत ही खास होता है क्योंकि ये हिमालय की ऊंचाइयों पर आसानी से चढ़ जाता है। बता दें कि दुनिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों में एक शेरपा भी शामिल था। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाला शेरपा व्यक्ति एक गाइड के रूप में ऊपर चढ़ा था। शेरपा समूह का व्यक्ति काफी मजबूत होता है, वजन उठाने में सक्षम होता है और पहाड़ी इलाकों में आए लोगों को गाइड करने के काम में भी निपुण होता है। इन्हीं गुणों को ध्यान रखते हुए शेरपा शब्द का इस्तेमाल G20 में किया गया। बता दें कि हर देश का एक शेरपा होता है। जिस तरह एक शेरपा मजबूती के साथ लोगों को रास्ता दिखाता है, उसी तरह G20 में हर देश का एक शेरपा अपने देश को G20 में रास्ता दिखाने का काम करता है। एक शेरपा अपने देश की जरूरतों और समस्याओं को G20 समूह के सामने रखता है। इस वक्त भारत के शेरपा अमिताभ कांत हैं, जो पहले नीति आयोग के CEO थे।